नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉन 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को सर प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डॉन 3 मूवी का अब तक हमें दो पार्ट देखने को मिल चुका है, डॉन मूवी और डॉन 2 मूवी। और ये डॉन मूवी भी 1978 में डॉन का ही रीमेक रही थी जिसमें हमें अमिताभ बच्चन देखने को मिले थे। फिर इनका रीमेक बनाकर फरहान अख्तर ने इस मूवी को 2006 के साल में लॉन्च किया था 20 अक्टूबर को। ये मूवी डॉन फ्रेंचाइजी का फर्स्ट सीक्वल रही थी और ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर थी। साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस किया था रितेश सिंधवानी ने। और डॉन मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें शाहरुख खान सर, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर और ओम पुरी जैसी बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिली थी। और इस डॉन मूवी में शाहरुख खान सर डॉन का किरदार करते हुए देखने को मिला था जिसके किरदार का नाम था विजय। और इस मूवी को 35 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और ये शाहरुख खान सर की डॉन मूवी जो 2006 में आई थी उनका क्लैश भी हुआ था सलमान खान सर की मूवी जाने मन के साथ। और ये पहले पार्ट में सक्सेस मिलने के बाद मेकर्स फरहान अख्तर ने ही उनका दूसरा सिक्वल लॉन्च किया 23 दिसंबर 2011 की साल में। और ये मूवी 2006 में आई डॉन मूवी का ही दूसरा सीक्वल रही थी। और साथ में इस मूवी को 85 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और ये 2011 में जो मूवी आई थी वो डॉन फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट रही थी। और इस मूवी के स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें फिर से हमें डॉन का किरदार करते हुए बड़ी स्क्रीन पर शाहरुख खान सर देखने को मिले थे। और इनके साथ प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, कृणाल कपूर, बोमन ईरानी और ओम पुरी जैसे बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिली थी। और इस मूवी को पहले हिंदी में लॉन्च किया गया था और इसके बाद तेलुगू और तमिल भाषा में भी डब किया गया था। और इस मूवी में ऋतिक रोशन एक कैमियो रोल करते हुए भी देखने को मिले थे। अब ऐसी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी डॉन का तीसरा सीक्वल मेकर्स लेकर आ रहे हैं डॉन 3 मूवी। और इस मूवी को डायरेक्शन देंगे फरहान अख्तर। ये मूवी 2006 में आई डॉन, 2011 में आई डॉन 2 का तीसरा सीक्वल रहेगी डॉन 3 मूवी। और डॉन 3 मूवी की स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें शाहरुख खान सर, जैकलिन फर्नांडिस, विद्युत जामवर, बमन ईरानी, परेश रावल और अर्जुन रामपाल जैसे बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिलेगी। वहीं बजट की बात की जाए तो 100 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो दोस्तों आप ये डॉन 3 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार करें मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।